आप कार्रवाई करवाओ भाई साहब, हमारी सुनाई ना कर रहे, पुलिस वाला सुनाई करवाओ। उसकी फूफी का लड़का से सहटे हुए, मुद्दीन का लड़का है उससे सहटे हुए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं वारदात। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक ऐसी वारदात के बारे में बता रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है भिवाड़ी के नज़दीक एक खोरी कला गांव है दोस्तों, और इस गांव के नज़दीक एक गरीबों की बस्ती है। नहायक गरीब परिवार इस बस्ती में रहते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। दुखद खबर यहाँ से जो प्रकाश में आ रही है वो यह है कि एक इरफान नामक एक नौजवान लड़का है इसी परिवार का, जिनकी ससुराल जयपुर में है और उनकी जो बीवी है वो खुद ही अपने पति को बहला फुसला कर पहले रहने के लिए दबाव देती थी कि मैं ससुराल में ही, मतलब वो अपने मायके में ही उसको रखना चाहती थी। तो वहाँ उसके कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ उस लड़की के अवैध संबंध थे, जिस लड़की का नाम रहीसन बताया जा रहा है, जो रहीसन इस घर की बहू थी। लेकिन दोस्तों, वो रहीसन अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ अवैध संबंध थे, उसके गलत रिश्ते थे, उनसे मिल करके वो इरफान को रास्ते से हटवा देती है, यानी बुला करके उनका प्री प्लान मर्डर करवा देती है। अब ये गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है, बिलक बिलक कर रो रहा है, इनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। जयपुर का जो जिला प्रशासन है वो भी ऐसे गरीब लोगों की कहाँ सुनाई करता है। तो इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जयपुर के अंदर जो रसूखदार लोग बैठे हैं, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, उनसे मेरी निवेदन है दोस्तों, अगर मदद करनी चाहिए तो ऐसे गरीबों की मदद करनी चाहिए जिनका कोई जैग जुगाड़ नहीं होता है। बेटे को सुपुर्द खाक कर दिया है और आखिर सब्र कैसे आएगा। चलिए इनसे जानते हैं क्या है इनकी पूरी कहानी, क्या सच्चाई है। ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं कि हकीकत क्या है। वाने फर्दी नाम अपने पति को कैसे मरवा सकते हैं आंटी, कैसे आरोप लगा रही है? चाहवे नहीं बेटा, किसी दिन जाना शादी करी मैंने, वह दिन से कभी बच्चा भी वहाँ का ना। अच्छा। अब मैंने वह भी वोट लिया, मतलब वो गैरों से अवैध संबंध रखते। हाँ, वो शादी होते ही बच्चा वही शादी के दिन दिखा दिया। कुल मिला के बदचलन औरत थी। हाँ। अच्छा। फिर किस पे मरवाया था उसने? वो खुद ने मारा था और किसी ने मरवाया? वहाँ का भाई ने मरवाया, एक तो है विक्रम नाम का। अच्छा। अक्रम ये भाई चले। देखिए, ये आंटी है और एक बेटे का दर्द माँ अच्छे से जानती है, बहुत गम होता है। फिलहाल वो डिप्रेशन में है तो वो सही से नहीं बता पा रही। उनकी एक सिस्टर है, उनसे हम जानते हैं, शायद वो बता पाएगी। क्या नाम है जी आपका? अत्ती। अत्ती नाम आपका, क्या है पूरा मामला? आपके भाई को किसने मरवाया, कहाँ पर मरवाया? इसका मेरे भाई को मरवाया रईसाना मैमुना और मुन्नी फरदीन गुड्डी, इन्हें मिलकर इन षड्यंत्र रचाया। उसके हराम का बच्चा है पेट में। मेरा भाई 20 तारीख को गया, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। अच्छा। मेरे पास वीडियो भेजी मेरे भाई ने, मेरी बात ना करवाई उसने, मोबाइल खुसा लिया उस पैसे। जब आपको ये पता था कि वो औरत बद चलन है तो आपने अपने भाई को क्यों भेजा था वहाँ पे? मेरा भाई को एक खान नाम का कबाड़ी उसने बुलाया था अपनी गारंटी पे, मैं रखूंगा। हाँ, काम करता था वहाँ पे। मेरा भाई को 2 साल से ना रख रही है वह, खाली 1 महीना से बुलाया, उसी की नौकरी है, ये बच्चा उसी का है। और जो कि मेरे भाई का बच्चा ना, हम पर रिकॉर्ड होगा उसका। पहला बच्चा भी शादी वाले दिन। अच्छा, किस तरीके से मारा था आपके भाई को? मेरा भाई को ये कह रही है कि पानी में धक्का देख मारा, वो पानी में नहीं मरा क्योंकि उस पर तैरना आता था। अच्छा। वो पानी में कैसे मर जाएगा? हमको जब उसकी लाश दिखाई, मेरे भाई का फोटो भेजा था जो था पुलिस वाले ने, उसमें पेंट नहीं था। उसकी बीवी ने जो मेरे पास रिकॉर्डिंग वीडियो बना कर भेजी, उसमें पेंट था मेरे भाई के पास। अच्छा। और यहाँ पर नाड़ पर निशान आ रहा मेरे भाई के। अच्छा। सर में खून नहीं रुक रहा, चोट आ रही है ज़्यादा, और पैर में भी चोट आ रही है। तो ये बता, पानी में गिर के वो सर में चोट कहाँ से आ जाएगी? नाड़ में फांसी का कहाँ से आ जाएगा निशान, और हाथ में कहाँ से आ जाएगा? पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज की थी क्या? अभी ना करी, करी थी अमन ने, लेकिन हमारी कानून कार्रवाई नहीं की। ये कह रहा मेडिकल आने के बाद में रिपोर्ट दर्ज हुई की। 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया? नहीं किया। क्या कहा था आपसे? कही अभी इसको पहले अपना लड़का को ले जाओ और इसको दफना दो जाके, उसके बाद में कोई बात होगी। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार है। हाँ। और राजस्थान के पुलिस जो DGP है, जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। हाँ। वहाँ तो आपकी सुनाई हुई नहीं है लोकल पुलिस स्टेशन में। हाँ। तो बड़े अधिकारियों से क्या मांगे आपने, क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कह रहे हैं हमारे भाई को न्याय मिले जी, हम तो न्याय इंसाफ चाहिए। हाँ जी, पूरा पूरा कीन। और अब भी ये धमकी दे रही, एक तो मरवा दे, दूसरा को और मरवाऊंगी। ये दो भी हाँ, दो भाई उस घर में ऐसे गुजारा कर रहा। ये कह रही है मैं ना रहूं इनके पन्नी बीन के कबाड़ी इनके मैं नहीं रहती।
मैं तो अच्छे घर में रहूंगी, इसीलिए यहाँ चली गई। हाँ, जो दहेज मिला ब्याह का उसे भी सारा लेगी, जयपुर में रह रही अपने बाप के दोनों बहन। हम तो यह चाह रहे हैं जी हमारे भाई को इंसाफ मिले। कैसी थी वो भाभी थी चाची थी जो आपकी? वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो अच्छी अच्छी हाँ अच्छी नहीं थी। पाँच साल हो गई बेटा, शुरू से चिढ़ती थी हम सब से, यहाँ पर शुरू से ना रहे, शुरू से चिढ़ती थी ना, तो हम अच्छे से रहती थी हमारे साथ ना, तो बोलती थी बच्चों से भी चिढ़ती थी सबसे। पाँच साल से बेटा ना तो बाप के पे रहती है बेटी, न पति के पास रहती है, क्यों रहती है, कौन का चाह आ रहा है, जब मेरे लड़का ही ना चाहती तो किसके पास रहती है। पांच पांच पर पंचायत लेगी, जब ना खनाई अलग अलग रूम रख रहती है, हाँ किसी को सहारा ना रहती, किसके सहारा से रहती, हाँ यार लामार खवा दिया देवा। भाभी आप उनकी? हाँ। चलिए, क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरीके से मारा उसको? उसके भगवान मारा भाई ने, आपने उसके मम्मी पापा ने सब मारा ना। को सारो मेरा चक्का, मेरा बेटो बेटा रात दिन कमावे हो, मेरा मैं कुछ फेल भी ना हो, मेरा फेल अनोखा लगा रही है, और जवानी देख ली बदतमीजी देख ली जब मेरे बेटो मरवाए हो यार रणजी ने। बहुत बेरहमी से मारा आपके बेटे? बेरहमी से मारा है मेरा लड़का, उघाड़ो कर करके नंगो कर करके नहीं, वो पानी में दिखाया गया मेरा डूब डूब के ना मरो। हाँ बहुत अच्छा था, किसी बुराई नाली सारा गांव ने पूछ ले, ऐसा भगत लड़का हो मेरा बेटा, रात दिन कमाने के वाना रहे और का कुछ भी ना हुआ, मैं दुनिया जाने वा आमहीन। हाँ फोन में बात हुई जी, नो कही बताई मुझसे तो ना हुई, लाली सुई मेरी लड़की से, बाण मुल माफी दे दीजो, सॉरी बाण में गलती होगी। हाँ मरने से पहले, जब ही आध घंटा पहले उसका मोबाइल छीन लिया बेटा, कह के तो मुझसे भी जाता हूँ। उससे कह रहा था मेरा ना रहेगी विक्रम करेगी। अच्छा। और देख ले बहन मुझसे गलती होगी, मैंने तेरी बात ना मानी, मेरी बात उसने ये ना मानी। हाँ। मैंने उसको 500 रुपया डाला था, अब तू तेरे को अच्छा ना रख रही तू आ जा। हाँ। तो इसने वो आ रहा था बस अड्डा पे खड़ी हो कहीं उसके रोड पे बैग छीन लाई और जबरदस्ती घर पे ले आई। वहा तीन बार वहां रिपोर्ट करिए, मेरे पहले पुलिस वालों से बाकायदे बात हुई, मैंने पुलिस वालों से ये कही जनाब मैं पहली तारीख को आ रही हूँ, ये हमारा घर का मामला है, आप मेरे भाई के साथ हाथ तपाई मत करो और मत मारो, ये औरत रंडी है इसके शर्म नहीं है, मेरे भाई मत मारो। तो उसने कही ना कोई बात ना, हम इसको छोड़ रहे हैं और तू पहली तारीख को आ जाना। पहली तारीख भी ना आई, आज 25 ही हुई है, अभी तो 6 दिन बाकाए हैं और 6 दिन पहले ही मरवा दिए मेरे भाई को, अगर आगे कोई बात करता था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जिसमें ये दिखा रहा है कि नुके उसमें मरा है तो उसमें इतना पानी भी नहीं है, और हमारे कोई ऐसी पुलिस वाला ने भी कोई वो नहीं दिखाई वीडियो अब भाई ये पानी में मरा है, उसको मार के जब फेंका गया उस लड़का को। राजस्थान जयपुर पुलिस से क्या अपील है, क्या चाहते हो? राजस्थान पुलिस से ये चाहते हैं कि हमारा समाधान करे, हमारे इंसाफ चाहिए जी अपना। आपके अकॉर्डिंग प्री प्लान मर्डर है? हाँ मर्डर कराया जी हमारा, उसकी बीवी ने कराया? बीवी ने कराया उसकी ने, वो मेरा भाई आ रहा था, अब मैं अपना घर जाऊंगा, फोन ओन छीन लिया है, फिर उसका फोन नहीं दिया, वह वहाँ का आदमी भी आबाद की गवाही दे रहा, अब ये फोन की हमारे से बोलिए फोन नहीं दिया, फिर कुछ देर बाद में वो लड़का मार दिया। कौन से पुलिस स्टेशन की बात है? ये ब्रह्मपुरी थाना है जी, ब्रह्मपुरी थाना। हाँ, का मुकदमा दर्ज नहीं किया पुलिस ने? नहीं, हमारा तो खाली उसने कागज वागज की पूर्ति करी है बस, नुक्तमारी सुनंगा सुनंगा, हमने उनसे कही है जो हमारी कोई सुनाई नहीं करी है उनने। तो गरीब समझ गया आपको, टला दिया वहाँ से? हाँ जी, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी, मैंने खूब कही है, मैंने की ये बात है। हाँ जी, ब्रह्मपुरी। हाँ ब्रह्मपुरी। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, इस वक्त मैं बहुत ही नाहक गरीब फैमिली के बीच में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी जयपुर के अंदर जो हमारे दर्शक हैं, जो रसूखदार दर्शक हैं, वो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मेवात के लोग भी वहाँ पर रहते हैं। ये बहुत ही नायक गरीब फैमिली है, खोरी कला गांव में एक गरीबों की बस्ती में रहते हैं। इनका एक बेटा था इरफान नाम का, जिनका प्री प्लान उनकी बीवी ने मर्डर करा दिया जयपुर के अंदर, और ये ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन है। तो कोशिश करें कि ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच करके इन लोगों की मदद की जाए। अभी तक वहाँ के पुलिस प्रशासन ने 302 के तहत FIR भी दर्ज नहीं किया, सिर्फ रपटनामा यानी कि रोजनामा चढ़ाकर इनको ऐसे ही बहला फुसला के वहाँ से भगा दिया है। उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम कराने के बाद इनको सौंप दिए परिजनों को, और इन गरीबों ने उस पोस्टमार्टम कराने के बाद में उस डेड बॉडी को वहाँ से ला करके यहाँ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सुपुर्द खाक कर दिया है।
लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं अगर ये अमीर लोग होते तो वो अपनी उस डेड बॉडी को रोड पर रख देते, जाम लगा देते और बहुत ही जद्दोजहद होती, तब वहाँ से आते जब 302 का मुकदमा दर्ज हो जाता। इन गरीबों के साथ राजस्थान पुलिस की तरफ से एक घोर अन्याय है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, हमने तस्दीक किया है, वो जो औरत थी रईसन नाम की, वाकई वो बदचलन है, उसका जो रहन सहन था वो वाकई गलत था, क्योंकि यहाँ सारे शिनाखत कर रहे हैं जो पड़ोसी लोग हैं, क्योंकि शुरू से ही मनचली थी। मैंने भी देखा था डेड बॉडी, डेड बॉडी में निशान थे गर्दन पे और सर में पीछे को। तो आप क्या चाहते हो बताओ? ये जी गरीब आदमी है जी, इनका कोई समाधान किया जाए जी और इनको न्याय दिया जाए। ठीक है, और जिन लोगों ने मर्डर किया है उनको अरेस्ट किया जाए, उनको सजा दी जाएगी। कई में चार कट्टा लाए हूँ, और जब लाए सबन ने पांच आदमी लाए और भर के वाइए वो पीकम यहाँ भी हक काम कर लो। हाँ, यहाँ भी परिवार से सब सु वासु वासु बुलाया, वासु सिंगार सु। हाँ, मरने के बाद यहाँ तक भी हम लोग कर रहा, हमारे चार पांच मट्टी नहीं लगी जब तक। कुछ और पड़ोसी लोग हैं, आप जानते हैं इरफान को? हाँ जी, जानते हैं, बढ़िया लड़का था जी, टॉप। और जो औरत थी वो कैसी थी? वो बच्चलन थी जी, बिल्कुल बेकार। हाँ, उसका वो तो यहाँ रहे ही नहीं, इसलिए वो जाते यहाँ से भग जावे। जी, तो आप इस मर्डर को लेके क्या मानते हैं? मतलब मर्डर है, मतलब ये मर्डर ही है जी, मर्डर। हाँ, ये मर्डर इसलिए है, मतलब ऐसा ना, जो जनानी दूसरे से संबंध रखना जाए ना, तो वो अपने धनी को नहीं समझती थी, जब दूसरे के पास चली। सुधो बेटो, बेटा मेरा ही चाला की गोनी राख रही, जानना सुई। क्या नाम भाई? अब्बास है जी मेरा नाम। जयपुर रहते थे? नहीं, जयपुर में लॉकडाउन में रहा था मैं। कैसी थी वो? वह बहुत बचपन थी, मैं भी वहाँ देख के आया उसको। जब मैं मरने को जाऊँगा जी, मैं अपनी पैंट को नहीं खोलूंगा, मरूंगा आईडी नहीं खोलूंगा। हाँ, किसी को वो मरता तो एकदम गिर के मरूंगा। हाँ, हमने वहाँ जांच करी। हाँ, तो वह जो दाने बेचते हैं ना कबूतर के लिए, मच्छी के लिए। हाँ, उनने बताई चार लोग आए थे। अच्छा, और उनने वो मारा था। मैं कहा आप चेहरा बता सकते हैं? नो भाई, हम दाने बेचते हैं, हमारे दाने बंद हो जाएंगे, है ना, हम इतने नहीं बता सकते आपको। मैं भाई अपने तुम ऐसे रहने दो, है ना, वह मैं कितने बजे, नो 3 बजे बारिश आई है ना, और 4 बजे करीब में मार आई। लड़का मर गया। मैं जी ऐसा तो कोई बात नहीं है, तो ये पहले फोन आया जी हमारे पास, ऐसा तो नहीं हो सके। हम उनसे गया जी, हमने कोई बात नहीं जी, कैसे कैसे मारा जी। तो थानेदार बोला भाई हमारे पे इतला आई है जी, अभी आईडी सब चीजा जी, 4 आदमी ने मारा है। आप थानेदार के लिए बजाइए हमारे आगे। हाँ जी, अच्छा जी, कैसे कैसे मारा नहीं, मर्डर करा जी, जब ये जल महल में पटकाए। पुलिस ने कहिए हम जल महल में लाया उठा के आए, जल महल में जी डूबा ही नहीं लड़का। हम बहुत डोला जी, हमारा पान भी हार गया, इतने डोला जल महल में, कोई मतलब ही ना जो हम मर जाए। फिर बोल रहा है अब घर में सोया पड़ा है। मैंने फोन किया, जब मेरा ही कह रहा है भाई वे तो ये तो झूठा नहीं पेल रहा है, मेरी माँ से ऐसे करके फोन कर रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर ले लेना, मैं इनकी वीडियो को और रिकॉर्डिंग को मैं व्हाट्सएप पे डालती हूँ अभी आपके। भैया उसका फूफी का लड़का सेट है, उसके मारा मरवाया ये मेरा भाई, ठीक है। उसका भाई वहाँ का जो हमारा भाई है ना, हमारा भाई ने 2-4 बार देखी है, हम लोग बताई भी है, हमने उससे बोली भी है कि भाभी तू ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ है। उसका बाप ने जब शादी दी, जब तो कोई बिचौला ना बनाया था, जब तो उसकी मम्मी ने और उसका पापा ने शादी की, और अब उसने अपनी बहन भी भाई भी सब बिचौला बना रखा है। हमने समझा के नहीं, हमारे पास से बुलवा लिया है, हमने भेज दिया समझा बुझा के, पैसा भी डलवाया कई बार हमने, ठीक है। आप कार्रवाई करवा भाई साहब, हमारी सुनाई ना कर रहे, पुलिस वाला सुनाई करवाओ। उसकी फूफी का लड़का सेटे हुए, मुद्दीन का लड़का है, उससे सेटे हुए। देखिए दोस्तों, आपने देखा और सुना, इस वक्त मेरी मौजूदगी खोरी कला गाँव में है, जो भिवाड़ी के नजदीक और तावड़ू खंड में आता है। दोस्तों, ये जो इरफान का मर्डर किया गया है जयपुर के अंदर, इसमें हमारी जो जांच पड़ताल हुई दोस्तों, इससे ये शिनाखत होती है कि इसकी जो मास्टरमाइंड है, यानी इस इरफान के मर्डर की जो मास्टरमाइंड है, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं, बल्कि खुद की सगी बीवी है। दोस्तों, इस पूरे मर्डर में जो खेल रचा है वो इरफान की खुद बीवी ने रचा है, जिसका नाम
रहीसन बताया जा रहा है, जो कि जयपुर की रहने वाली है। उन्होंने अपने मायके में बुलवा करके इरफान को अपने दोस्तों से मरवा दिया और रास्ते से हटा दिया है। ऐसे में दोस्तों ये गरीब हैं, इनको आशा और उम्मीद है राजस्थान पुलिस प्रशासन से कि वो 302 के तहत FIR दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू करें और ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को, ऐसी गद्दार औरत को जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट, तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।